हेलो, मेरा नाम उमंग पटेल है और मैं आप सभी से एक ज़रूरी बातचीत करना चाहता हूँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मदद रूप होगी। हमारे देश में अलग अलग शहरों में कई जगहों पे इंडस्ट्रियल जोन है। इस इंडस्ट्रियल जोन में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती है, जो कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, बिग स्केल की इंडस्ट्रीज होती है। वो सभी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोडक्शन निकलता है मशीनें, अलग अलग तरह के मशीनों के ज़रिए। अब ये सब मशीनें चलती है कंट्रोल पैनल से, जो मशीन के साथ आती है। इस कंट्रोल पैनल में जब आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देंगे तभी मशीन वर्क करेगा। इसके मुताबिक आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का कितना इम्पोर्टेंस है कोई भी इंडस्ट्रीज़ में। और कई इंडस्ट्रीज़ तो ऐसी भी है कि अपनी प्रोडक्शन साइकिल लूज ना हो, उसके लिए वो डीजी सेट का भी इस्तेमाल करती है। इसके साथ साथ मैंने जो बोला कंट्रोल पैनल, उसके अंदर के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, केबल्स, पीसीसी पैनल, एमसीसी पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, इस सभी पैनलों के अंदर यूज़ हुए कंपोनेंट्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, क्वालिटी का उतना ही इम्पोर्टेंस है। जब हमारे यहाँ के कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई इंडस्ट्रीज़ का प्लानिंग करते हैं तो वो एक बजट को लेकर चलते हैं और उसी मुताबिक वो आगे बढ़ते हैं। मगर जब बात आती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए पैसे खर्च करने के लिए, तब मेरे ख्याल से सभी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, क्योंकि उनका बजट दूसरी जगह पे ज़्यादा चला गया होता है। तो मैं उन सभी को यही बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी से आपकी फैक्ट्री चलती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है उससे आपका प्रोडक्शन निकलता है, उससे मशीन चलता है और उस मशीन से आपका प्रोडक्शन निकलता है जहाँ से आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। तो वहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वहाँ पे सबसे बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कीजिए ताकि आपकी प्रोडक्शन साइकिल स्मूथ हो। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ। मेरा नाम उमंग पटेल है और मैं राजकोट, गुजरात से हूँ। वहाँ पर मेरी कंपनी का नाम है नोबल इलेक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग यही सब पैनल के कंपोनेंट्स में ही डील करते हैं और हमारे पास सभी अच्छी क्वालिटीज़ के पैनल के कंपोनेंट्स अवेलेबल है। लिंक मैंने इस वीडियो में शेयर की हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।